पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। सबसे पहले जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में मानव विकास संस्थान या IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। चलिए अब देखते हैं क्या कहती है रिपोर्ट। रिपोर्ट में बताया गया है कि समग्र श्रम बल भागीदारी और रोजगार दरों में सुधार के बावजूद भारत में रोजगार की स्थिति खराब बनी हुई है। इसके अनुसार भारत के बेरोजगार कार्यबल में लगभग 83% युवा हैं, वहीं कुल बेरोजगारों में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी 2000 में 35.2% से लगभग दोगुनी होकर 2022 में 65.7% हो गई है। इसके अनुसार स्नातकों के लिए बेरोजगारी दर 29.1% है, जबकि वही जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनमें बेरोजगारी दर मात्र 3.4% है। माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए बेरोजगारी दर 18.4% है। रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि भारत में युवा बेरोजगारी दर अब वैश्विक स्तर से भी अधिक है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार 2019 के बाद भारत में बेरोजगारी दर में कुछ सुधार हुआ है और महिला श्रम बल भागीदारी भी बढ़ी है, लेकिन फिर भी शिक्षित बेरोजगार युवाओं में महिलाओं की संख्या 76.7% है, जबकि पुरुषों की संख्या 62.2% है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 श्रम और रोजगार के मुद्दों और IHD द्वारा नियमित प्रकाशनों की श्रृंखला में तीसरी रिपोर्ट है। युवा रोजगार शिक्षा और कौशल पर्याय रिपोर्ट भारत में उभरते आर्थिक श्रम बाजार शैक्षिक और कौशल परिदृश्य और पिछले 2 दशकों में हुए बदलावों के संदर्भ में युवा रोजगार की चुनौती की जांच करती है। रिपोर्ट मुख्य रूप से 2000 और 2022 के बीच राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के डेटा के विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें 2023 के लिए एक पोस्ट स्क्रिप्ट शामिल है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे मानव विकास संस्थान या IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मिलकर जारी किया है। दो, यह रिपोर्ट ऐसे रिपोर्ट प्रकाशनों की श्रृंखला में तीसरी रिपोर्ट है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।